मजा आ रहा है, ससारे हैं थोड़ा सा। क्या क्या ससारे हैं? दो मिठाई ससारे हैं। अच्छा, अभी फिर आएंगे तो फिर छोर ससारेंगे। अच्छा, 2 लाख रुपया चांदी का सिक्का। अच्छा, अभी तो 9 अरब से भी ऊपर। 9 अरब से 9 लाख रुपया अभी चांदी का सिक्का लगा था दोस्तों, तो ये अब नौलखा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों ड्राई मछली जो है यहाँ पे मिल रहा था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं रोहित कुमार, मैं आपको आपका अपना चैनल महोगाछी ग्रिल में स्वागत करता हूँ। क्या हुआ है दोस्तों, हम लोग अब जो यहाँ जनकपुर का जो टेंपल है वह घूमने जा रहे हैं, और साथ में ये ड्रंक है, अपना नाम बताइएगा। नाम सतीश है। सतीश है, ये जनकपुर में ही रहते हैं, तो यही घुमाएंगे। यहाँ से है 900 मीटर है, तो पैदल ही चलते हैं। गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दिए हैं हम लोग, इसके बाद निकलते हैं। क्या चल रहा है नेपाल में, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, ससारे हैं थोड़ा सा। क्या क्या ससारे हैं? दो मिठाई ससारे हैं। अच्छा, अभी फिर आएंगे तो फिर छोर ससारेंगे। अच्छा, एक न्यू वर्ड मिला है हम लोगों को मैथिली में, ससरिएगा। अच्छा, ससरिएगा, ससरिएगा मतलब इसका निकलिएगा। अच्छा, मतलब खाना खा के ससरना, ससर जाते। तो फिर दोस्तों चले टेंपल के पास ही मिलते हैं। अभी ये जो नजारा देख रहे हैं, ये एनटीसी का टावर है, ये मोबाइल नेटवर्क वाला रहता है ना। अच्छा, टावर है एनटीसी जो होता है यहाँ, मोबाइल नेटवर्क है। तो ये जो देख रहे हैं वो एनटीसी जो मोबाइल नेटवर्क है यहाँ का, नेपाल टेलीकॉम, वो यहाँ पे हो गया, देख सकते हो जनकपुर में। तो हम लोग जो है जनकपुर का टेम्पल जो है, टेम्पल में एंट्री कर चुके हैं। आप देख सकते हो इधर जनकपुर का जो टेम्पल हुआ वो यहाँ है। अगर अंदर कैमरा अलाउ हुआ तो मैं अंदर का भी पूरा व्यू दूंगा। अभी आप देख सकते हो मेरे सामने जो है ये जनकपुर का जो टेम्पल है ये रहा। और यहाँ की क्या खासियत है, क्या मानता है, वो सभी चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ऐसे मैं बता दूँ, जो सीता माँ जो थी उसका जो परवरिश जो हुआ था वो यहीं पे हुआ था। उनका जो जन्म हुआ वह जगत जननी माँ जानकी का जो जन्म हुआ है वह सीतामढ़ी में हुआ है, बट उनका जो परवरिश जो हुआ है वो ये जो महल आप देख रहे हैं वो यहीं पे हुआ है। तो चलिए दोस्तों, जो आए हैं तो अंदर का व्यू भी हम लेते हैं। अभी आप देख सकते हो मेरे सामने यही है महल, राजा जनक जी का महल जो हुआ वो यही है। यहाँ का मान्यता है क्या है, क्या मानता है माता जी का? सीता जी का परवरिश यहाँ पे हुआ है। हाँ, यहाँ पे जनक जी का राज था। अच्छा अच्छा, आगे जाके जनक मंदिर भी है। अच्छा, क्या बोलना चाह रहे थे भैया? काम बोले क्या बोलना चाह रहे थे? यहाँ क्या मान्यता है, क्या है इस मंदिर का? जनक उस जमाना में 9 लाख रुपया खर्चा हुआ। अच्छा, इसलिए 9 लाख का मंदिर भी बोलते हैं। दोस्तों उस समय जो मंदिर जो बना था तो जैसे पता चला 9 लाख रुपया लगा था, तो इसे 9 लाखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रंट व्यू पूरा मैं अपने कैमरे के माध्यम से दूंगा ही, तो ऐसे आप देख सकते हो यही है जगत जननी माँ जानकी की जो मंदिर है। और यहाँ पे सेल्फी वगैरह जो है बस चल रहा है, देख सकते हो पूरा सेल्फी वगैरह चल रहा है। तो मैं भी इसको सेल्फी ले लेता हूँ। अगर सेल्फी देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर जाकर के आप फॉलो कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम में महोगाछी ग्रिल। चलिए अंदर चलते हैं मंदिर में। जो मंदिर में जाने से पहले जो अपना जूता चप्पल जो होता है दोस्तों यहीं पे उतारना पड़ेगा आपको, जूता चप्पल उतार दीजिए। अंदर कैमरा अलाउ है? देख सकते हैं। तो अंदर प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों। ये देख सकते हो दोस्तों टेम्पल, अंदर का जो ये टेम्पल है, टेम्पल आप देख सकते हो मेरे कैमरे के माध्यम से। और मैं अपने कैमरे को 360 डिग्री एंगल पर घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों।
चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर के अंदर जो प्रवेश द्वार है, अंदर तो भैया लिखा हुआ कैमरा अलाउ नहीं है, अभी नहीं, यहीं तक है। तो अंदर कैमरा अलाउ नहीं है दोस्तों, तो कैमरा यहीं पे बंद करके फिर अंदर जाता हूँ, फिर अंदर से आता हूँ तो आपसे मिलता हूँ। बाबा ये बताइएगा मंदिर फेमस क्यों है? अच्छा जनक जी का घर है, जनक जी का राजपाट यहीं से चलता था, नेपाल के हिमालय से लेकर के बनारस के गंगा तक जनक जी का मिश्रा राज। ये जनकपुरी है, उसके दरबार है, चिकमगढ़ की महारानी बनाई है मध्य प्रदेश भारत। अच्छा, इनका बच्चा नहीं था, पुत्र का काम न लेकर के मंदिर आज से 125 वर्ष पहले, 125 वर्ष पहले इसे 9 लाख रुपये लगा था बनाने में, उस समय का 9 लाख रुपये चांदी का सिक्का। अच्छा, अभी तो 9 अरब से भी ऊपर, 9 अरब से 9 लाख रुपये वो भी चांदी का सिक्का लगा था दोस्तों। तो ये अब नौलखा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसे खुलता कब है? कब हमेशा खुली रहती है? ये सुबह 8 से 12 बजे तक खुलता है, फिर 4 बजे तक बंद होता है, 12 बजे के बाद, फिर 4 बजे के बाद रात में 9 बजे तक, रात के 9 बजे तक खुला है। दिन में 12 से 4 बंद, दिन में 12 से 4 बंद, इसी का एक पटना है। तो दिन में 12 से 4 दोस्तों जो है यह मंदिर बंद रहता है, इसके कारण जो अभी जो ये पट है वह बंद है। तो चलिए दोस्तों फिर बाहर का जो लुक है वह बाहर का लुक मैं पूरा दिखाता हूँ अपने इस कैमरे के माध्यम से। जानकी विवाह मंडप, श्री राम जानकी विवाह मंडप के तरफ चलते हैं, टिकट लेना पड़ेगा, पता नहीं अब यहाँ पे टिकट चार्ज कितना है, कितना ले रहा है टिकट चार्ज कितना है? 10 रुपये, 10 रुपये, 1 आदमी का 10 रुपया। तो 1 आदमी का 10 रुपया टिकट चार्ज, अंदर जो देख सकते हो यही है टिकट, अंदर चलते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों यही है माँ जानकी का जो मरवा जिसे बोला जाता है, मरवा मरवा ना, हाँ विवाह भवन जो मरवा बोला जाता है वो यही है। उस समय का मरवा अभी तक बचा कर रखा गया। चंदन भैया आपके शादी का मरवा बचा कर रखा गया क्या? आपका शादी हो गया? महान क्या हो गया, हो गया है, हो गया है। बच्चे भी है, तो बच्चे भी है। लोग का मरवा, अच्छा अभी मरवा रखा गया बचा करके? नहीं रखा गया। आज देख सकते माँ जानकी का जो शादी हुआ था तो उनका आज वो मंडप जैसे मरवा बोला जाता है वो अभी तक बचा करके यहाँ पे रखा गया है। मेरे कैमरे में आप देख सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अंदर जा करके ही देखते हैं अंदर क्या क्या देखने को मिलता है इस मंडप में। चलिए अंदर देखते हैं मंडप में क्या क्या है, बहुत मूर्ति बना होगा मेरे अंदाज से, और अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा क्या क्या है। मरवा है, मरवा यही है दोस्तों मरवा। तो दिखाता हूँ दोस्तों मैं अपने बैक कैमरा से क्या क्या अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों आप देख सकते हो प्रभु श्री रामचंद्र जी का और माँ जानकी का जो शादी हो रहा है उसे मूर्ति के रूप में दिखाया गया है। इसे अपना मिथिला में मरवा बोलते हैं, यह मरवा हो गया। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको अपने घर से लेकर के ये जो नेपाल का जो टूर था वो प्लस यहाँ पे जो माँ जानकी की जो मंदिर है वो दिखाया हूँ। तो देख सकते हो ये मंदिर रहा, माँ जानकी की जो मंदिर है वो ये रहा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जाइए मेरे इस चैनल को लाल बटन दबा के क्या करना है, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा के ऑल पर सिलेक्ट कर ले, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।